दुनिया की सबसे बड़ी कहे जाने वाली T20 लीग IPL में खिलाड़ियों के लिए एक बार फिर से बोली लगेगी। BCCI ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो IPL 2023 के लिए ऑक्शन दिसंबर मध्य में करवाया जा सकता है। इस ऑक्शन के लिए 16 दिसंबर की तारीख पर मुहर लग सकती है। ये पिछले साल की तरह मेगा ऑक्शन तो नहीं होगा, लेकिन ये एक मिनी ऑक्शन होगा। अभी तक IPL 2023 की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि IPL मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस ऑक्शन में BCCI टीमों को 90 करोड़ की बजाय 95 करोड़ रुपए खर्च करने की छूट देगी। अगर टीम किसी प्लेयर को रिलीज करती है तो खर्च करने की अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है। IPL 2022 के बाद से ही रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच विवाद की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन इन सब पर विराम लगाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने ये साफ कर दिया है कि रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही खेलते हुए नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स ने रविंद्र जडेजा को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन चेन्नई ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि जडेजा एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वो चेन्नई के साथ ही खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के अलावा एक और अन्य टीम भी है जो जडेजा के लिए मांग कर रही थी। इसके अलावा आपको बता दें कि BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि IPL 2023 के मुकाबले अपने पुराने फॉर्मेट में लौट आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जहां एक टीम हर दूसरी टीम से एक मैच घरेलू मैदान पर जबकि दूसरा मैच प्रतिद्वंदी के घरेलू मैदान पर खेलेगी। इस सबके बाद एक और खबर सामने आ रही थी कि गुजरात टाइटंस राहुल तेवतिया को रिटेन कर रही है, यानी कि राहुल तेवतिया भी अब गुजरात टाइटंस के लिए ही खेलते हुए नजर आएंगे। पहले ऐसा सामने आ रहा था कि शायद राहुल तेवतिया को रिलीज किया जा सकता है। IPL ऑक्शन से फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स।